नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार रावत माँ गुलजारी भारत ITI YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन, देखिए ऑक्टल नंबर जो होता है, ऑक्टल नंबर होता है, इसका बेस क्या होता है? बेस आपका 8 होता है, ठीक है। और ये कितने नंबर को कंटेन करता है? कंटेन करता है कितने नंबर को? 0, 1, 2, ...7 तक, यानी ये 8 नंबर, आठ इसका बेस है और टोटल 8 नंबर को कंटेन करता है, ठीक है। और डेसिमल नंबर जो सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, इसका बेस कितना होता है? 10। और ये कितने नंबर को कंटेन करता है? 10। कहाँ से कहाँ तक? 0 से शुरू करता है, 1, 2, 3, ...9 तक। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है डेसिमल में 7, 8, 9, ये आपका एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है और इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, क्या होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम को हम जो ऑक्टल नंबर का बेस होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 7, 8, 9 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे, जितने बार में डिवाइड होता है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं और जो शेष बचता है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड किया जाए, 8, 9, 72, ठीक है। शेष यहाँ क्या बचा? 6 और यहाँ 9, तो कितने बार में जाएगा? 69 हो गया, तो इसे हम 8 बार लेके जाएंगे, तो 64। शेष कितना बचा? 5, ठीक है। फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एक कम 8, ठीक है। शेष कितना बचा? 1 और 1 18, यानी 18 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 8 दुना का 16, ठीक है। 16 आ गया, शेष कितना बचा? 2, ठीक है। फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एक कम 8, शेष क्या बचेगा भाई? 4, तो ये शेष हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे, तो क्या आएगा? 1, 4, 2, 5, यानी कि आपका जो 7, 8, 9 यानी 789 जो नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम था उसका ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या आएगा? 1425, ये आपका क्या आएगा? ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।